रिकांगपियो के रामलीला मैदान में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। पार्किंग निर्माण के चलते इसे हटा दिया गया था, लेकिन जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रशासन को फिर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेता सूर्य बोरिस ने इसके लिए जगत सिंह नेगी का आभार जताया है। 3 साल से किन्नौर के अंदर जो रिकांगपियो के मुख्यालय में डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, एसडीएम और जज साहब के ऑफिस के बगल में जो तिरंगा झंडा लगाया गया था, तिरंगा को लगाया जाए, ये सबसे ऊंचा हमारे किन्नौर में तिरंगा। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने निर्देश देकर तुरंत झंडा लहराया है और झंडा आज जो है हमारा देश का स्वाभिमान है। आज हमें इतना अच्छा लग रहा है आज किन्नौर में 3 साल बाद जब ये राष्ट्रीय झंडा हमारे जो रिकांगपियो हार्ट ऑफ द सिटी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दोबारा से लगा है।